एक नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं कबीर दास जी का एक दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाऊं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। अब इसका अर्थ क्या है? ये दोहा हम सभी ने बचपन में पढ़ा है, सुना है, और इस दोहे को बताने वाला कौन है? एक शिक्षक। तो इस दोहे का जो अर्थ है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे जीवन में कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे एक तरफ गुरु खड़े हों और दूसरी तरफ गोविंद, तो हम किसको सबसे पहले प्रणाम करेंगे, किसके पैर छूएंगे? क्योंकि गुरु ही है जिसने हमारा परिचय गोविंद से करवाया है। तो जो गुरु का स्थान है वो गोविंद से भी ऊपर का माना गया है। एक गुरु को गोविंद से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। एक शिक्षक क्या होता है? जो हमें सही गलत पर बताता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। कोई भी बुरे काम करने से एक शिक्षक ही हमें बचाता है। सही गलत में फर्क करना एक शिक्षक ही हमें सिखाता है। बचपन की ABCD से लेकर आज हम सब जिस मुकाम पर है उसके पीछे एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा योगदान है। उनका कड़ा परिश्रम है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं, तब जाकर आज हम सब इस मुकाम पर हैं जहाँ आज हम सब हैं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर हम उन सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहेंगे, हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहेंगे। और इसी मौके पर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं अचीवर्स एकेडमी में। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। ये एक बता दूँ मैं आपको, एक ट्यूशन क्लासेस है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। इनके द्वारा यहाँ पर आज कार्यक्रम किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आयोजित हुआ। तो चलिए, और यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे कि उनका टीचर्स को लेकर क्या कहना है। जैसे कि आज टीचर्स डे है, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक अपने छात्रों में कैसे प्रेरणा का स्रोत होता है। ऐसा है कि शिक्षक में सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उसके अंदर कि बच्चों को वो संस्कारित कर सके और बच्चों के अंदर ये भावना पैदा कर सके कि बच्चे सदैव उसके साथ सम्मान करें, उसके प्रति अपना स्नेह उन बच्चों में अपने शिक्षक के प्रति पैदा हो। और हमने जो अपनी अचीवर्स एकेडमी जो स्थापित की है, हमारा उसका भी मूल उद्देश्य, हमारा ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि हमारे पास अधिक से अधिक बच्चे हैं, हम उससे कुछ करने हो। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें और एक अच्छे संस्कार प्रदान कर सकें। और यही बच्चे आगे चलकर देश के निर्माण में अपना अच्छा बेहतर योगदान दे सकें। तो आपके लिए गुरु रहे होंगे बचपन में, ऐसा फेवरेट टीचर आपका, और क्यों, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज? ऐसे तमाम शिक्षक हमारे जीवन में आए, और मैं एक अपने साइंस के टीचर के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले मेरा मन साइंस में बिल्कुल नहीं लगता, साइंस सब्जेक्ट में, लेकिन उनके पढ़ाने के ढंग से वो एक एक चीज़ को इतने तरीके से उसको स्पष्ट करते थे कि जब वो चीज़ें मेरी समझ में आने लगी तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट उसमें जागा और मैं फिर उसी फील्ड में आऊँगा। अच्छा शिक्षक तो वही है जो बच्चों को बिना किसी दंड के और उनको सुशिक्षित कर सके, संस्कारित कर सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे जब क्लास पे शोर मचाते हैं या कुछ उपद्रव करते हैं तो शिक्षक उनको दंड देकर उनको सुधारना चाहते हैं। यद्यपि इससे कोई सुधार, मुझे नहीं लगता कि बच्चों में इससे कोई सुधार होता है। बच्चों में सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर अपने प्रति एक स्नेह, एक सम्मान पैदा किया जाए और बच्चों में एक ऐसा भाव पैदा किया जाए कि बच्चे आपके बारे में अच्छे से अच्छे विचार रखें और अच्छे चीज़ें अच्छे से उसको ग्रहण करें। ठीक तो मैम, आज शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चों ने जितने शिक्षकों के बारे में बहुत कुछ बोला, तो एज ए टीचर आप अपने बच्चों के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, और कितनी मुश्किल होती है टीचर को बच्चों में रखने में, उनको हर एक छोटी चीज़ समझाने में, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत मुश्किल होती है। कुछ टीचर का बोल बताया राइट, बच्चों को पढ़ाना बहुत मतलब पैशन होगा जिसको वही पढ़ा सकता है पहली चीज। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, तब तक आप उसको एक एज अ प्रोफेशन लेंगे ना, आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सेकेंडली, जब हम बच्चे पढ़ाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हर बच्चे का कैलिबर एक सा नहीं होगा,
हम ये समझे कि एक क्लास में यदि 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, या 30 बच्चे, 10 बच्चे जो भी हैं, उनमें भी हर रेंज के बच्चे होंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ की ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो उसको कई बार एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। तो ये भी एक टीचर को ही देखना होता है कि किस बच्चे को किस तरह समझ में आ रहा है, और जिन टीचर्स को ये चीज़ समझ में आ जाती है निश्चित रूप से उनके बच्चे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हर बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है ये समझ पाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमसे बच्चा एक 10 बार भी पूछता है, 20 बार भी पूछता है एक क्वेश्चन, तो हमारा दायित्व होता है और शायद नेचर भी है कि कहीं इरिटेट नहीं होना है, उल्टा उनको और अच्छे से हर तरह से कोशिश करना है कि बस उनको समझ में आ जाए। जिस तरह से उनको समझ में आ रहा है अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करके, डिफरेंट मैथड्स को यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके उनको थोड़ा सा पढ़ाना, मैं करती भी हूँ, खुद करती हूँ, हमारे टीचर्स भी करते हैं, और साथ ही मैं अदर टीचर्स भी कहूँगी, सबसे पहले अपने यदि किसी को जल्दी गुस्सा आता है बच्चे पढ़ाने में कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको पहले अलग रखना होता है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंसफुली काम करना होता है, और जितना हम प्यार से करते हैं, आज ये सब जो देखा ना मैंने, रियली इट वॉज वंडरफुल, क्योंकि बच्चों ने जो किया वो शायद हम लोगों का जो प्यार उन्होंने देखा उसी से किया। अच्छा, जैसे कि आप सभी को पता है टीचर्स डे है, ठीक है, आपने आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो क्यों मनाया जाता है टीचर्स डे? टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है, तो उन उस उपलक्ष्य पे हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो एक टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, कौन बताएगा? टीचर की इम्पोर्टेंस, सभी के टीचर्स होंगे, इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या बताते हैं टीचर्स आपको, किस तरीके से गाइड करते हैं बताइए, कुछ क्या बताते हैं, आपको फेवरेट टीचर कौन है, क्लास टीचर आपकी फेवरेट टीचर है, क्या बोलना चाहोगे टीचर्स डे के मौके पर, क्या आप कहना चाहोगे अपने अपने टीचर्स को, कैसे विश करोगे? हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल and thank you for being so supportive and means the guidance, love, everything I found in all his parents also and teachers also. चलो अब आपसे पूछते हैं सवाल, आप क्या कहना चाहोगे अपने टीचर को लेके, कोई फेवरेट टीचर है? यस, फेवरेट टीचर है अमित सर, अमित मेहता। क्या कहें, क्या अच्छा लगता है आपको उनमें सबसे ज्यादा? मेरे को उनमें सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि वो सारे बच्चों को एक तरह से इक्वल मानते हैं, मतलब उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, कि जैसे जिस बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं सारे सारे वो उनके फ्रेंड जैसे, वो जिसके वजह से बच्चे उन्हें अच्छा भी मानते हैं और उनका सभी को अच्छा लगता है। हाँ हाँ, This is the best tuition I've ever found in my life. यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, टीचर्स डे पे इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया, आपने होस्ट भी किया है, कैसा लगा फिर? Actually, first of all, I feel it like it's my opportunity that I'm the of course I'm the coordinator of this program. So like I got a platform to show my talent. So I guess it was the great thing which I have found. तो एक बार सभी happy teachers से बोल दो जोर से। Happy teachers day! इंग्लिश वाली मैम है, क्या नाम है? श्वेता मैम है, क्यों अच्छी लगती है आपको? कुछ तो होगा, सुंदर है, सुंदर अच्छा पढ़ाती हैं। और बताओ क्या अच्छा लगता है आपको, क्यों अच्छी लगती है आपको श्वेता मैम आपको? अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे बोल दो अपनी मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। मैं लोगों को सशक्त नमन करना चाहता हूँ, उनके
शिक्षा से आज यहाँ तक आ चुका हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से छात्रों के अंदर भी हम भावना पैदा कर रहे हैं कि छात्र और शिक्षक के बीच किस प्रकार संबंध होता है, किस प्रकार से रिश्ता फिर होता है, डिसिप्लिन होता है, अपना कल्चर गेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चे में सर्वांगीण विकास होता है, तब जाके छात्र जैसे काम आता है और भविष्य का निर्माण करता है। मैं ऐसे समस्त गुरुजन वर्गों को सशक्त मन करता हूँ। आज पाँच हैप्पी टीचर्स। आप ये कहना चाहेंगे बचपन से लेके अब तक हम जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इसमें एक शिक्षक का क्या योगदान होता है, क्या सर्टिफाइड एक शिक्षक होता है? शिक्षक हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सर्वप्रथम हमारे सबसे अपने माँ को अपनी प्रथम गुरु कह सकते हैं कि जो हमारी माँ होती है वो हमें अच्छे संस्कार देती है। स्कूल तक जाने स्कूल से पहले हमारी माँ हमारी शिक्षा लेने के स्कूल तक पहुँचाने में उसी का हमें हाथ होता है। हमें अच्छे संस्कार देती है, गाइडेंस करती है, गाड़ी है, कुछ भी करती है, बच्चे अच्छे के लिए डाटा जाता है। अच्छे के लिए डाटा जा सकता है। शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है और आज हमने आपको बताया थी कि शिक्षक का छात्र के जीवन में और वही शिक्षकों के लिए उनके छात्र किस तरह से होते हैं, क्या कुछ उन्हें एक कह सकते हैं ना प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट को हैंडल करने में, वो भी हमने जाना। शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों की बात करेंगे तो छात्रों की भी बात करेंगे। तो ये थी आप सभी के लिए शिक्षक दिवस पर जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी आपसार बख्श के साथ निधि बेश हल्द्वानी जेजेएन।